नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश पांडे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल AMS टारगेट व्यू, जिसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बुरा लगता है ना जब आप किसी को SMS भेजते हैं और उसका जवाब नहीं आता है। ऊपर से बहाना उनका यह होता है कि मैसेज मिला ही नहीं। अगर मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क बढ़िया ना हो तो आपको तब तो वैसे बहाने पर बड़े आसानी से विश्वास कर बैठेंगे। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजने के बाद मैसेज के साथ वाला टिक नीले कलर का हो गया हो तो इसका मतलब यह होता है कि उसने मैसेज पढ़ लिया है। लेकिन अगर आप किसी को ग्रुप में मैसेज भेजते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं, आप उससे तुरंत देख पाएंगे कि ग्रुप में किन किन लोगों ने आपके मैसेज को पढ़ लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर दीजिए क्लिक, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम व्हाट्सएप को खोलते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ओम साई नाम का 8-9 लोगों का एक ग्रुप बनाया है। इसे मैं खोल लेता हूँ और इस पर टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ, कैसे हो, और सेंड कर दिया दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, अभी हम 20-30 सेकंड रुक जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इस मैसेज को किन किन लोगों ने पढ़ लिया और कैसे पता करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब हम इस पे कैसे हो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट वाले पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे एक इन्फो आ रहा है, इन्फो पे क्लिक करते हैं। इन्फो को क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने देखा कैसे हो को रीड बाय इतने नंबर के लोगों ने तुरंत पढ़ लिया है और यहाँ पे ब्लू कलर का 1-2 डॉट लगा हुआ है। तो दोस्तों, ग्रुप के मैसेज को हम इस तरह से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपके ग्रुप में आपके मैसेज को किन किन लोगों ने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, इस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं कि ग्रुप में आपके मैसेज को किन किन लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम बैक आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर दीजिए क्लिक, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।